नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बिरधर रोतिया, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, अभी जनवरी चल रहा है और मार्च अप्रैल मई तक पीएचडी एडमिशन का ये एक समय है, यानी कि यदि छात्र पीएचडी करना चाहते हैं तो अब हो जाइए तैयार, यानी कि जनवरी से स्टार्ट हो जाता है एंट्रेंस टेस्ट की प्रक्रिया। क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो है फॉर्म भरने का समय रहता है, फिर एंट्रेंस टेस्ट होता है, वैल्यूएशन होता है, ये प्रोसीजर जो है 4-5 महीने का है। इसलिए जून जुलाई अगस्त में चालू हो जाता है पीएचडी का कोर्स वर्क, यानी कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सभी जो है जनवरी से स्टार्ट कर देते हैं पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। और इसी कड़ी में रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, जो ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है और पश्चिम बंगाल का यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता में स्थित है। आपको बता दें, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में यदि आप पीएचडी करते हैं तो आपको फेलोशिप भी मिलेगा, ठीक ठाक फेलोशिप मिलेगा। यह यूनिवर्सिटी कलकत्ता का बहुत नामी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यह केवल स्टेट यूनिवर्सिटी, बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। तो दोस्तों, भारत के नागरिक इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकता है, अप्लाई कर सकता है। बहुत अच्छी खुशखबरी यह है कि नेट, जेआरएफ, सेट और एमफिल कैंडिडेट को एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। एक बार सुन लीजिएगा, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट या स्टेट सेट या फिर जेआरएफ क्लियर किए हुए हैं, एमफिल किए हुए हैं, तो उनको एंट्रेंस टेस्ट में छूट भी मिला हुआ है। और एंट्रेंस टेस्ट जो होगा इस बार 50% मार्क्स नहीं लाना है, बल्कि 40% मार्क्स में आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, हम यहां पर रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी को जब आप गूगल में सर्च करते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं, मैं दिखाता हूं कहां पर इसका नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसके नोटिफिकेशन को देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, ऐसे देखेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इस वेबसाइट में एक बड़ी खुशखबरी भी है, मैं आपको दोबारा वीडियो बनाकर बता दूंगा। ठीक है, आप इंतजार कीजिएगा। देखिए, ये लाइन को जब देखते हैं तो यहां पर एडमिशन दिख रहा होगा, शायद आपने एडमिशन देख रहा है। ये एडमिशन को यदि आप क्लिक करते हैं, एडमिशन को जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से निकलेगा। ये देखिए, निकल गया। देखिए, बहुत सारे नोटिफिकेशन न्यू है, लेकिन आपको जाना है पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर 2019-20, क्योंकि ये जो वर्ष है 19-20 का वर्ष है। ठीक है, 19-20 का वर्ष है, तो ये वाला जो आप देख रहे होंगे, ये वाला 2019-20, ये जो एडेंडम वाला नहीं करना है आपको, जो फ्रेश वाला जो है पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन को आप क्लिक करेंगी तो दोस्तों ये इस तरह से निकलेगा। ठीक है, इस तरह से निकल जाएगा। ये नोटिफिकेशन 3 जनवरी 2020 को हुआ है। दिस यूनिवर्सिटी इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन द सब्जेक्ट अंडर द फैकल्टी ऑफ आर्ट, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट्स इन द सेशन 2019-20 एज पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, और इसकी जो अंतिम तिथि है 23 जनवरी 2020 है। ध्यान दीजिएगा, 23 जनवरी 2020 है। और क्या क्या सब्जेक्ट है आपको बता दें, और यहां पर सीट भी दिया हुआ है। सबसे पहला दिया हुआ है बंगाली। बहुत सारे बच्चे जो बंगाली बच्चे हैं मुझे बार बार टेलीफोन करके, मैसेज करके बताते हैं कि सर बंगाली में पीएचडी नहीं होता। तो देखिए, आपके लिए अवसर आ गया, बंगाली यानी कि 9 सीट है, इंग्लिश में 8 सीट है, संस्कृत में 15 सीट है, फिलोसॉफी में 1 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 8 सीट है, हिस्ट्री में 9, इकोनॉमिक्स में 4, एजुकेशन में 4, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 2 सीट है। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं फाइन आर्ट में कहीं पर भी पीएचडी नहीं होता। देखिए, आपके लिए आ गया रविंद्र संगीत, जानते होंगे रविंद्र संगीत के बारे में, डांस, ये म्यूजिकोलॉजी, वोकल म्यूजिक में भी सीट है। फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स में भी है, ग्राफिक्स में, प्रिंट मेकिंग, ये जो हिस्ट्री, पेंटिंग, ये सब के बारे में जो दिया हुआ है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी वही चाहिए जो यूजीसी नॉर्म्स है।
यानी कि आपके पास में संबंधित सब्जेक्ट जो पीजी है उसमें 55% मार्क्स होनी चाहिए। यदि आप पश्चिम बंगाल के एससी एसटी हैं तो आपको 5% छूट, साथ ही साथ यहां पर जो है 45% मांग रहा है, 45% भी मांग रहा है यदि आप पश्चिम बंगाल के एससी एसटी ओबीसी हैं। तो यहां पर नेट सेट गेट एमफिल को छूट है, ठीक है, ज्यादा नहीं बोलेंगे हम। रिटर्न एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू होगा, दो तरीके से सिलेक्शन होगा। रिटर्न एंट्रेंस टेस्ट भी होगा, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, 100 मार्क्स होगा, 3 घंटा का समय दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों हाफ में एग्जामिनेशन होगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी का पहले फर्स्ट हाफ में होगा, सेकेंड में आपका जो है जो सब्जेक्ट का होगा, और दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जो इंटरव्यू भी होगा, जो रिटर्न टेस्ट पास होगा, ठीक है, उनके लिए इंटरव्यू, जो नेट सेट गेट पास है उनके लिए भी इंटरव्यू, जो नेट सेट गेट पास है, ठीक है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू में पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी का मान्य है। तो यहां पर आपको जो है हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, इसको एक बार आपको पढ़ लेना है, ठीक है, कुछ नहीं रखा हुआ है इसमें, इसको एक बार पढ़ना चाहिए। हम आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। यहां पर फीस भी बहुत कम है, यानी कि एडमिशन फीस, कोर्स फीस भी बहुत कम है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, आप इसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप मत देखें 4 सीट है, 2 सीट है, 3 सीट है, आपको तो 1 सीट चाहिए। आप सबसे बेहतर होना चाहिए, आप सबसे इंटेलिजेंट होना चाहिए, ठीक है, आप में हुनर होनी चाहिए, आप में पीएचडी करने की सारी योग्यता होनी चाहिए। आपका हो जाएगा 100% गारंटी के साथ हो जाएगा, यदि आप ठीक ढंग से आप प्रिपरेशन करते हैं, आप जरूर अप्लाई करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। दोस्तों मैं यहीं पर विदाई लेता हूं, थैंक यू।